और चलिए बढ़ते आगे, रुक कर लेते दूसरी खबरों की ओर। मूर्ति तोड़ सियासत पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान सामने आया। मेरठ में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने की घटना की निंदा की। सरकार से मेरठ में पुलिस बल तैनात करने की मांग उठाई है। ऐसे तत्वों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई है सरकार से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और कहा है कि सिर्फ हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होगा। त्रिपुरा में मूर्ति तोड़ने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सवाल मायावती की तरफ से उठाया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सख्ती नहीं दिखाई, मतलब इसके पीछे साजिश है, ये सवाल भी मायावती ने उठाया है। मायावती ने कहा कि त्रिपुरा में मूर्ति तोड़ने वालों की गिरफ्तारी आखिर क्यों नहीं हुई। जिला मेरठ में भी भारतीय संविधान के निर्माता व दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को भी वहां कुछ जातिवादी व असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया है। इन सब की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है। केंद्र व राज्य सरकारें वहां तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती करें, जब तक उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के हालात सामान्य नहीं हो जाते हैं। ये मूर्ति तोड़ने के मामले में त्रिपुरा से ये मूर्ति तोड़ने का ये मामला शुरू हुआ, लेकिन वहां पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिन्होंने गलत काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।